रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आप साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर थ्री हमारे पास इम्यूनिटी एंड डिजीजेज। इसका मैं आपके साथ लेक्चर नंबर टू शेयर करूँगी। लेक्चर नंबर टू, आप सबसे पहले अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर फोर्टी वन ओपन कर लीजिए। तो हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे यहाँ पैथोजिन किस तरह से डिजीजेज कॉज करते हैं, ठीक है, यानी किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर इंटर होते हैं और फिर हमें बीमार करते हैं। आज हम लोग करेंगे डिस्कस हाउ पैथोजिन इज स्प्रेड, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर पैथोजिन कैसे फैलता है। कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है या कोई फंजाई है, वो कैसे हमारी बॉडी के अंदर फैल जाती है, क्या क्या उसका प्रोसीजर होता है, क्या हमारे सिम्टम्स होते हैं, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। द मोर पैथोजिन गेट इन टू योर बॉडी, द मोर लाइकली इट इज दैट यू विल डिवेलप एन इन्फेक्शनस डिजीज। जितने ज़्यादा आपके बॉडी के अंदर पैथोजिन इंटर होगा, उतना ज़्यादा चांस होगा कि आप उतनी स्वेयर डिजीज होगी। जैसे बैक्टीरिया है, जितना ज़्यादा बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर इंटर हो रहा है, आप ये केयर नहीं कर रहे और आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया इंटर हुआ जा रहा है, उतना स्वेयर उसने अपना रिएक्शन दिखाना है। देर आर अ नंबर ऑफ वेज इन विच पैथोजिन स्प्रेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत से ऐसे तरीके हैं जिस तरह जिससे एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर पैथोजिन इजीली ट्रांसफर हो सकता है। सबसे पहला बात करें वो बाय एयर। आप अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें अपने कोविड टाइम के बात को, अब कोविड टाइम में हमें वायरस से कोविड-19 हुआ था, ठीक है, कोविड-19 हमें वायरस से हुआ था, लेकिन क्या हम लोगों को वो था तो पैथोजिन ही ना, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस दी गई थी, हमें मास्क लगाया गया था ताकि वो हमें को बैक्टीरिया को वायरस हमारे एयर से ना एंटर हो जाए। तो सबसे पहले प्रिकॉशन क्या होगी, एयर। मैनी पैथोजिन इंक्लूडिंग बैक्टीरिया वायरस एंड फंगल स्पोर्स आर स्प्रेड एंड आर कैरिड एंड स्प्रेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन एयर। जहाँ से बात है, देखिए फॉर एग्जाम्पल एक इंसान को जुकाम है, फ्लू हुआ है, उसने छींका, जर्म्स तो एयर के अंदर चल गए और सामने वाले उसने कोई हाथ वगैरह नहीं रखा, नीम का इस्तेमाल नहीं किया अपनी, ठीक है, तो अब रिजल्ट में क्या होगा कि सामने वाले को इसलिए फ्लू हो जाएगा। इन ह्यूमन डिजीजेस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इज कॉमन। व्हेन यू आर इल, यू एक्सपेल टाइनी ड्रॉपलेट फ्रॉम फुल ऑफ पैथोजेन फ्रॉम योर ब्रीथिंग सिस्टम विच यू कफ स्नीज एंड टॉक। अब वो कह रहे हैं अगर हम लोग इंसानों में देखें तो इंसानों को जब कोई बीमारी होती है ना, तो वो बड़ी जल्दी स्प्रेड होती है। जैसे हमें जुकाम हो जाती है, जब जुकाम होता है तो फिर हम लोग ये बोल रहे हैं या कफ कर रहे हैं, स्नीज कर रहे हैं, तो हमारे वो जर्म्स बाहर चले गए। अदर पीपल ब्रीथ इन द ड्रॉपलेट अलॉन्ग विद द पैथोजेन दे कंटेन, सो पिक अप द इन्फेक्शन। फिर वो जब कोई और उसको उसी चीज़ को उसी जगह पे बैठता है या उस जगह को यूज़ करता है या साथ बैठा हुआ इंसान, वो इजीली इस बीमारी से कशकार हो जाएगा। एग्जांपल इंक्लूड इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस एंड द कॉमन कोल्ड, ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं सेकंड जो पॉइंट है, दैट इज थ्रू फूड दे दैट इज कंटेमिनेटेड विद बैक्टीरिया और द पैथोजन। यानी कि देखिए, अब कोई फूड है, कोई खाना है, हम लोगों ने किचन के अंदर ऐसे खुला छोड़ दिया, अब उसके ऊपर बैक्टीरिया वायरस ने अटैक कर दिया और फिर थोड़ी देर बाद हम कहते हैं अब हमें भूख लगी है, अब हम वो खाना खा लेते हैं, ठीक है, वो ऐसे खुला हुआ छोड़ा हुआ खाना, फिर उसके ऊपर जिसके अच्छी तरह से बैक्टीरिया वायरस अच्छी तरह से अटैक कर चुके होते हैं, फिर वो हम खाते हैं और हमें बड़ा टेस्टी लग रहा होता है। जिसका स्प्रेड डिजीजेज सच एज डायरिया, क्लोरिया एंड सॉरी ये वाला था, ईटिंग रॉ एंड अनकुक मीट एंड अनकुक फूड सच एज सलाद दैट इज कंटेमिनेटेड बाय पैथोजन सच एज कैंपलोबैक्टर कैन कॉज गट डिजीजेज इन पीपल। अब इसी तरह से कहते हैं कि जब फ्रूट्स वगैरह घर लेकर आएंगे, सब्जियाँ वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आएंगे, कोई मीट लेकर आ रहे हैं, चिकन लेकर आ रहे हैं, तो उसको धोना चाहिए ताकि, और इस वो वजह क्या होती है कि इसके ऊपर से सारे जर्म्स वगैरह हट जाए। हम क्या करते हैं कि भी बस बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतनी हिम्मत नहीं होती कि दो सेकेंड लगते हैं हार्डली या 5 सेकेंड्स लग जाएंगे कि उसको चीज़ को धो लें, लेकिन हम नहीं धोते। थ्रू अब थर्ड पॉइंट है, थ्रू ड्रिंकिंग वाटर दैट इज कंटेमिनेटेड ऑफन बाय सीवेज। इट कैन बी स्प्रेड डिजीज सच एज डायरिया, क्लोरिया एंड सेल्मोनेलोसिस द पैथोजन इंटर योर बॉडी थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग पानी है, ठीक है, साफ प्योर फॉर्म का पानी, प्योर पानी नहीं पियेंगे, ठीक है, तो हम लोग को डिजीज कॉज हो जाएगी और फिर वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारी डिजीज आएगी वो, ठीक है, थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और सर्फेसिस दैट इन्फेक्टेड पीपल हैव टच्ड।
अब वो कह रहे हैं कि डिजीज हमारे पास पैथोजन हमारे बॉडी में इतना से भी इंटर हो सकते हैं कि हम लोग उसी जगह पे, हमें पता है कि यहाँ पर उसको बंदे को जुकाम वगैरह हुआ, पता भाई उसके झूठी चीज़ों में ना पियो पानी, हम वही गिलास यूज़ करते हैं और उसी गिलास में पानी पीते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली वो बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल फंगल डिजीज सच एज एथलीट फूड कैन बी पास्ड ऑन वॉकिंग बेयर फूड. जिस किसी को अगर एथलीट फूड हुआ हुआ है, अगर वो जहाँ पे चला है हम भी उसी जगह पे चल के जाएंगे, तो वो प्रॉब्लम कॉज करेगा हमारे लिए. ठीक है जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर. तो नेक्स्ट पेज है जी एनिमल्स कैरिंग ह्यूमन पैथोजन द स्क्रैच बाइट और ड्रॉप ब्लड. एग्जाम्पल इंक्लूड मलेरिया पास पैदा ऑन द बाइट और द मॉस्किटो. अब वो कह रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन हमारे एनिमल्स से भी आ सकता है, जस्ट लाइक मॉस्किटो को काटने से हम लोगों को मलेरिया हो जाता है. ठीक है, लाइफ स्टाइल फैक्टर्स ऑफन अफेक्ट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज. उस हिसाब से इंसान रह रहा होता है ना, उसके रहने के तरीके से भी डिजीज स्प्रेड हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल वन पीपल लिव इन अ क्राउडेड कंडीशन विथ नो सिविल सिस्टम, या इनके अगर कोई ऐसा इलाके में रह रहा है जो जहाँ पर कोई सिविल सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया वगैरह का रेशो ज़्यादा होगा तो उसको हो ही जाएगा. अब ये डिड यू नो के अंदर इन लोगों ने डिजीजेस बताई हुई हैं, इसके सिम्टम्स बताए हुए हैं, आपको क्या क्या सिम्टम होंगे इसका, क्या क्या आप कौन सा टेस्ट करवाएंगे तो आपको पता चलेगा, और फिर आप किस तरह से इसकी प्रिजर्वेशन करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे, तो किस तरह से आपको आप इसे ठीक हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे. ठीक है, ये बताई गई बातें. एवरी डे वी मीट मिलियंस ऑफ डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एवरी बॉडी ओपनिंग एज वेल एज एनी ब्रेक्स इन द स्किन गिव्स पैथोजन अ वे इन. अब वो कह रहे हैं हर रोज़ हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे स्किन के ऊपर पता नहीं कितने ज़्यादा पैथोजन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके बैठते होंगे, लेकिन अगर हम लोग एहतियात कर रहे हैं तो हम उनसे बचे रहेंगे. द मोर पैथोजन दैट गेट इन टू योर बॉडी द मोर लाइकली इट इज़ दैट यू विल डेवलप एन इन्फेक्शन डिजीज. जितने ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन इंटर होते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपकी बॉडी ज़्यादा से बात ज़्यादा अमाउंट में पौधा पैथोजन कितना से लड़ेगी आपकी बॉडी जब ज़्यादा अमाउंट में पैथोजन इंटर हो चुके होंगे. फॉर्चुनेटली योर बॉडी हैज़ मैनी डिफेंस सिस्टम इम्यूनिटी दैट वर्क टुगेदर टू कीप द पैथोजन आउट. इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड इट सेल्फ अगेंस्ट पैथोजन. अब वो कह रहे हैं कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म के अंदर ये सलाहियत दी है कि वो इन पैथोजन से लड़ता है. अब जब उस पैथोजन की बस हो जाती है ना, जब हमारी इम्यूनिटी की हमारे अंदर की जिस्म की बस हो जाती है उसे लड़ लड़ के, तब वो हमें पता चलना शुरू होता है कि अब सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं. अब देखिए COVID-19 के टाइम में अगर हम लोग बात करें तो COVID-19 के टाइम में क्या हुआ था कि जी लोगों को बीमारियाँ हो रही थी, कुछ के कुछ को कोविड हो भी जाता था और उनको पता भी नहीं चलता था कि उनको कोविड हुआ है. ठीक है, और कुछ सही अच्छा खासा बता के जाता था कि मैं हूँ एक चीज़ कोविड में हूँ. ठीक है, अच्छा वो कह रहे हैं इम्यूनिटी क्या है बेसिकली, वो इनकी इम्यूनिटी थी कि किसी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग थी कि वो उस कोविड के वायरस को अच्छी तरह से टैकल कर ले, कुछ की इम्यूनिटी इतनी वीक थी कि उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर गया. अब वो कह रहे हैं कि इम्यूनिटी क्या है, हमारी बॉडी की एक एबिलिटी है कि वो किस तरह से पैथोजन से लड़ती है. हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक को कहते हैं इनेट इम्यूनिटी या फिर जिसको हम लोग नेचुरल इम्यूनिटी कह देते हैं, और एक कहते हैं एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर अडोप्टिव इम्यूनिटी, और तीसरे को कहते हैं हम लोग पैसिव इम्यूनिटी. अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ इनेट इम्यूनिटी. योर इनेट इम्यूनिटी सिस्टम इज़ देयर फ्रॉम द टाइम यू आर बॉर्न, इट प्रोटेक्ट्स यू थ्रू आउट योर लाइफ. द इनेट इम्यून सिस्टम इज नॉट स्पेसिफिक, इट इज़ नॉट टारगेट पार्टिकुलर पैथोजन. अब वो कह रहे हैं कि जो इनेट इम्यून सिस्टम होता है ना, ये हमारा कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से हमें गॉड गिफ्टेड होता है, और ये हम लोगों को लाइफ जैसे हम लोग आते हैं ना दुनिया में, फौरन ये इम्यूनिटी हमारी वर्क करना शुरू हो जाती है. क्योंकि गलत से बात है, जब बच्चा एक छोटा सा बच्चा दुनिया में आता है तो उसके अंदर की तो चीज़ें फौरन ही वर्क करना शुरू हो जाती हैं, उसके ऊपर जर्म्स का अटैक होना शुरू हो जाता है, उसकी वो इम्यूनिटी नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई इम्यूनिटी होती है जो कि उसको उन डिजीज से प्रोटेक्ट रखती है. इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल डिफेंस. एक्सटर्नल डिफेंस क्या है, दे आर ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. एक्सटर्नल डिफेंस वर्क टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्रोटेक्ट एंड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पैथोजन एक्सपोजर एंड इंक्लूडिंग द थिंग्स लाइक स्किन टीयर्स एंड स्टमक एसिड. अब वो कह रहे हैं कि ये एक्सटर्नल इम्यूनिटी क्या है, जिसको हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कह सकते हैं. अब इनेट इम्यून सिस्टम इनेट इम्यून सॉरी एक्सटर्नल डिफेंस के अंदर आ जाए अगर बात करें तो इसके अंदर क्या आएगा, हमारी स्किन है. ठीक है, सबसे पहले तो उसने बैक्टीरिया ने आकर स्किन पर बैठना ना, ये हमें बचाती है. इसी तरह से हमारे स्टमक का जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बैक्टीरिया को मारता है, वायरस को फंजाई को मारता है. अब वो सबसे पहले बात करते हैं स्किन के अंदर, द स्किन. योर स्किन इज द ग्रेट डिफेंस सिस्टम, इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट द टिश्यू ऑफ योर बॉडी एंड स्टॉप पैथोजन गेटिंग इन.
अब हमारी जो स्किन है ये बहुत बड़ा एक डिफेंस सिस्टम है, वो कहना है कि हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है बेसिकली। अगर स्किन ना होती तो डायरेक्टली वो तो अंदर आते रहते हैं बैक्टीरिया वगैरह। इफ़ यू कट योर सेल्फ कट योर ब्लड क्लॉट्स एंड फॉर्म अ स्क्रैप, दिस स्टॉप योर ब्लीडिंग, स्टॉप पैथोजन गेटिंग इन थ्रू द ओपन कट एंड लेट योर स्किन हील अंडरनीथ योर प्रोटेक्ट द टिश्यू। के अब वो कह रहे हैं कि आपको जहाँ पे कट लगा है अगर आप वहाँ कोई जगह को उस जगह को प्रोटेक्ट कर लो, ठीक है, कट लगा है तो वहाँ से तो इजीली बैक्टीरिया वगैरह आ सकते हैं। अगर आप उस जगह को प्रोटेक्ट कर लोगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपका वो जो जगह है वो उस जगह से पैथोजन वगैरह एंटर नहीं हो सकेंगे। अब वो सेकंड बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। द डाइजेस्टिव सिस्टम द स्टमक प्रोड्यूस एसिड विच डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द म्यूकस यू स्वालो एज वेल एज द पैथोजन यू टेक इन थ्रू योर माउथ इन द फूड एंड ड्रिंक। अब वो कह रहे हैं कि हमारा स्टमक जो है ना वो एक ऐसा एसिड रिलीज करता है कि जब हम लोग कोई चीज़ खा रहे हैं पी रहे हैं तो उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इंटर हो भी गया तो ये स्टमक के अंदर जाके मर जाएगा वो पैथोजन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी सांस के थ्रू कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हो रहे हैं और किस तरह से मर रहे हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द इजिएस्ट प्लेस फॉर इन्फेक्शन टू गेट इन टू योर बॉडी बिकॉज ब्रीथिंग एयर कंटेन पैथोजन इन टू योर लंग्स, बट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज सम गुड डिफेंस। अब वो कह रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम वो बाहरी सिस्टम दैट भी बात है, देखिए एयर है उसमें तो कोई प्योरीफाई नहीं हो रही ना, एयर से तो डायरेक्टली हमारे पैथोजन इंटर हो सकते हैं, लेकिन हमारे अल्लाह ताला ने वहाँ पे भी कोई ना कोई सिस्टम लगाया हुआ है जिससे हम लोग बच सकते हैं। योर नोज हैज हेयर विच फिल्टर द एयर यू ब्रीथ एंड ट्रैप पैथोजन, आपकी नोज के अंदर हेयर्स मौजूद हैं वहाँ से। अब जब हम लोग इनहेल करते हैं ना एयर को तो जितने भी पैथोजेंस होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं हेयर्स के अंदर और प्योर एयर अंदर चली जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोड्यूस म्यूकस विच ट्रैप पैथोजन एंड डस्ट। अब वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या म्यूकस प्रोड्यूस होता है, फिर वो क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं जितने पैथोजन और डस्ट हो जाती है ना उसको ट्रैप कर देता है, ट्रैप कर लेता है अपने पास रख लेता है, प्योर एयर दोबारा अंदर है। योर एयर वेज हैव सीरेटेड एपिथेलियल सेल विच मूव्स म्यूकस आउट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम टू बी स्वॉलोड द स्टमक इन द एसिड इन द स्टमक दैट सॉल्व द पैथोजन ट्रैप इन द म्यूकस। ओके जी, अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड अपना थर्ड फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट है कि हमारा इंटरनल डिफेंस यानी अंदरूनी डिफेंस क्या है हमारा। अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब वो कह रहे हैं इंटरनल डिफेंस जो है वो हमारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। मैन पैथोजन इंटर द बॉडी फॉर द डिफेंस डिपेंड्स अपॉन द ब्लड, जब एक मतलब हमारा पैथोजन इंटर हो गया बॉडी के अंदर अब वो ब्लड ने उसके साथ लड़ना है, अब वो ब्लड आ जाएगा बीच में उसे लड़ाई करेगा, ठीक है। उसने स्किन को तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को तो पार कर लिया, अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से पार करेगा वो। द बॉडी रिस्पॉन्ड विद अ वैरायटी ऑफ इंटरनल डिफेंस विच इंक्लूड थिंग्स लाइक इन्फ्लेमेशन फीवर एंड ब्लड क्लॉटिंग, आपकी बॉडी आपको सिम्टम देगी कि कुछ करो तो आपको बुखार हो जाएगा, ठीक है, आपको सर दर्द करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, आप फिर वो फर्दर आप प्रिकॉशंस करेंगे और फिर वो उस तरह से वो मर जाएगा। ब्लीडिंग एंड क्लॉट फॉर्मेशन, खून निकलना या फिर वो क्लॉट का बन जाना। ब्लीडिंग क्लॉटिंग सील्स वॉर्म, आपका जो ब्लड क्लॉटिंग सील्स वॉर्म यानी जब खून जमता है ना, ठीक है, तो वो क्या वो उनके अंदर एक आपके चोट को कवर कर दिया उसने, उसको वहाँ से वहाँ पर कोई पैथोजन इंटर नहीं हो सकता वहाँ से। द ब्लड क्लॉट लिमिट प्रोसेस लॉस ऑफ ब्लड एंड ऑल्सो प्रिवेंट एंट्री ऑफ एनी पैथोजन, एक लिमिट तक आपका खून निकलता है उसके बाद बंद हो जाता है, ठीक है, और इस तरह से वो पैथोजेंस की एंट्री को बंद कर देता है। वाइट ब्लड सेल एंड डिफेंस ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी, वाइट ब्लड सेल पढ़ते हैं। वाइट ब्लड सेल क्या है, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा जी। पैथोजन दैट गेन एंट्री टू द टिश्यू इज अटैक बाय द वाइट ब्लड सेल इन द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है वाइट ब्लड सेल, एक होता है रेड ब्लड सेल और एक होता है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है कि जो पैथोजेंस होते हैं इनसे लड़ना है इसने। द वाइट ब्लड सेल रिकॉग्नाइज फॉरेन पार्टिकल्स सच एज बैक्टीरिया एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन इन अ स्नेक वेनम एंड रिएक्ट अगेंस्ट दैम। अब वाइट ब्लड सेल जो है ना इसका सब सब एक ही काम है कि इसने जो हमारी बॉडी के अंदर चीज़ें एंटर हो रही हैं उनको डिटेक्ट करना है, बैक्टीरिया डिटेक्ट करेगा, ये हमारी बॉडी के अंदर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन वगैरह है इसको डिटेक्ट करेगा। दे आर मूव्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाय वाइट ब्लड सेल इन द बॉडी इन द ब्लड, वाइट ब्लड सेल एनगल्फ द पैथोजन एंड डिस्ट्रॉय देम। अब वाइट ब्लड सेल जब बैक्टीरिया वगैरह को या पैथोजन को डिटेक्ट कर देगा तो उसको साथ उसके साथ फाइट करेगा और उसको ख़त्म कर देगा, ठीक हो गया जी। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।